जहिया से चली गई छोड़ के हमके, जहिया से चली गई छोड़ के हमके, जिंदगी भइल सुनसान हो जाए चंदा ले आव खबरिया, जाए चंदा ले आव खबरिया, कैसन बाड़ी मोर जान हो ए चंदा, कैसन बाड़ी मोर जान हो। कोरवे में हमरा रहत रहली छन भजुदा जीना सहत रहली, कब कोरवे में हमरा रहत रहली छन भजुदा जीना सहत रहली, अब तो हमार बिना देखल सुरतिया, अब तो हमार बिना देखल सुरतिया, हो जाता कैसे बिहान हो, जाए चंदा ले आव खबरिया, जाए चंदा ले आव खबरिया, कैसन बाड़ी मोर जान हो। हाँ भैया, कैसन हाथ में दिया लेके घूमत रहे बाबू? दिया ना हो, का हो? हमार जिया हो, प्यार में तो इंसान हमारा पागल दीवाना बन जाला, हम तो बस देवदास बन गए बानी। बदल जाओ, बदल जाओ, बदल जाओ, बदल जाओ, बदल जाओ, बदल बोल के जतनी हीरोइन रहनी हाँ, खूब बेवकूफ बनानी हमारा के मोहब्बत का नाट बो दरी महाराज। लेकिन भैया हम सोच ले बड़ी का सोच ले बड़ा कि अब हम नाव पे चलबे ना कर, अब हम चलो बड़का जहाज से, ऐसे न डूबी जहाज और न डूबी हमार दे। कैसा आइडिया बा भैया? बहुत सुंदर। ये बतासा का आइडिया है? यस, गो गेट इट। तू तो इंग्लिश बोले लगला हो। हां भैया, हम अपना डेवलपमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, एक बार हमारा रिजेक्शन हो गया है, अब हमारा रिजेक्शन कोई नहीं कर पाएगा, कहे से कि ए बार जो सेलेक्ट करी उहे रिजेक्ट करी। के बाबू इंसान? ओ इंसान रहुआ सामने खड़ा बा। अरे बताशा बाह, ए मर्दे तू तो लौह पुरुष बन गईला। हाँ भैया, अब हम बहुत मजबूत हो गए बानी। यूं तो यह जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत थी। हाय हाय, यूं तो ऐ जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत थी। क्या बात है, यूं तो ऐ जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत थी। अगो बोल भा। यूं तो ऐ जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत। अरे मतवा, अगो कुछ बोल भा। मगर 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 का मगर? मगर मगर जब दर्द दर्ज कराने पहुंचे तो कतारे बहुत। जाने दो, आ जाता है एक बात तो के बतौती हो, जाती दुलाही भेजा। अपना पता ना मॉरिशस में हो कि लंदन में हो, तू तो आ गईला, आ गईला गांव छोड़ के जा बंबई में हीरोइन खोजे। तो हम क्या काम कर लगा, हमार तो सुबह गद्दार निकल जाई। फोन लगाई का जायदा देर हो तो शुरू कर दिया जाओ। तो भैया बिग गंगा के दर्शक लोग के बतासा चाचा की राम राम, हाजिर बानी लेके भोजपुरिया खाटी की संगीत का सबसे बड़े का दंगल बिरह मुकाबला। 12 हफ्ता और 24 एपिसोड,
एक से बढ़ के एक शानदार विरह गायक के बेजोड़ मुकाबला के बाद हमने के वो चार बेजोड़ महारथी मिल गई बाड़न, जिनका बीच आज से शुरू होगी सेमीफाइनल का जोरदार दम। लेकिन जंग से पहले आज तनी उनका मोहब्बत के रंग लगा लेवल जाए, जे विरह मुकाबला जीते वाला के सरताज के खिताब दे वाला वाला। तो स्वागत करी विरह के सुल्तान विजय लाल यादव भैया और विरह के बादशाह ओम प्रकाश यादव भैया के, साथ में स्वागत उन्हों के करे के बाद जे चुनौती गृह में बैठ रहा हूँ विरह मुकाबला के चार चमकदार धमकदार असरदार सेमी फाइनलिस्ट रजनीगंधा ज्ञानी यादव, त्रिभुवननाथ यादव और बुल्लू मस्ताना के भी जोरदार ताली। चारों सेमी फाइनलिस्ट में त्रिभुवननाथ यादव के विरह सुल्तान और विरह बादशाह के विशेषाधिकार से सीधा चौथा दौर में जगह मिलल रहे, जहां वो मीनाक्षी राज के हरा के सेमी फाइनल में आपन जगह बना ले ले बड़ो। चार सेमी फाइनलिस्ट में दूदू महारथी के बीच शनिवार और रविवार के मुकाबला होगी। दोनों दिन के मुकाबला के बाद अंक के आधार पर जवन दो लोग के मिली सबसे ज्यादा अंक वो फिनाले में प्रवेश कर जाये और दो लोग यहाँ से विदा हो जाये। अपन दोनों बड़का भैया विरह के सुल्तान विजय लाल यादव भैया और विरह के बादशाह ओम प्रकाश भैया, इतना लंबा सफर तय करला के बाद रउआ लोगन के कैसन लग रहा है? बहुत कड़ा मेहनत कई के चारों जाना ऐजा तक पहुँचल बा लोग। अब चार जाना में देखल जाओ कि अंतिम मंजिल तक के पहुँचता, लेकिन लड़ाई बड़ा कठिन रहल। जितना भी कलाकार आई रहल ऐजा सबका प्रति हमरा ओर से शुभकामना बाटे। धड़कन भी बढ़ गई बा, जे लोग याद करके आयल बा ओकर कुछ कुछ भुला भी गई बा। लेकिन हम आज दो दिन से लगातार लोग के चेता रहल बनी कि सारा ध्यान हटा के केंद्रित करा केंद्र बिंदु पर ध्यान कि हमरा गावे के बा, हमरा सेमीफाइनल से और फाइनल से और टॉप से मतलब नहीं के। यहाँ जे जितना कई कैले बा ओके वैसन सम्मान मिलल बा, आ आगे जे जितना करी ओकरा के वैसन सम्मान मिली। बिग गंगा पर देखे वाले दर्शक लोग रउआ लोगों से एगो बात बतावल चाहता नहीं कि विरह मुकाबला के जवन ग्रैंड फिनाले होकी वो रउआ लोगों के बीच में होकी। अब वो चाहे बनारस में गंगा के घाट पे होको और चाहे बिहार के पटना में होको, जोरदार ताली। अब तनी अपन चारों धुरंधर महारथी के दिल के हाल जानल जाओ। तब बुल्लू बाबू जी का हाल बा? ठीक बा। तैयारी कैसन बा? उम्मीद बा कि हम अपने गीत से जनता के मस्त करब और अपने गुरुजी लोगन के भी मस्त करब और यहाँ से जीत के जाए। वाह रजनीगंधा जी, आगे का सफर बहुत कड़ा हो, एक से एक धुरंधर से पाला पड़े वाला हो, का तैयारी बा आगे? बढ़िया तैयारी बा, तैयारी करत बानी। आप यही तरह हिम्मत दियल करी, देखे यहाँ से जीत के हम जाइल। हम हिम्मत दे, बस खाली तू हमके हिम्मत दिया रहा कि दुल्ही वाला लक्ष्य हमारा टूटे ना पाओ। संगम के किनारे कत्र भुवननाथ बाबू का हाल बा? एकदम सही हो। कैसन तैयारी हो? एकदम फिट। एक बात हो भैया, ये जवाब बहुत आराम से देवल है लेकिन वार बहुत तगड़ा करे नहीं। एक जोरदार ताली इनके खातिर। ज्ञान के भंडार ज्ञानी बाबू इनके देख के हमको बड़ी खुशी होला कि धरती पे केहू तो बाज हमसे छोट हो। फाइनल में जाई चाहे ना जाई, लेकिन यहाँ पर जितना लोग हुन और जेल जितना लोग देखत बा टीवी पर, हमार यही धारणा अंदर से कि सबकर खाली दिल जीती प्यार मिले बस। वाह, इस चारों लोगों से बात कैला के बाद एक बात तो साफ साफ नजर आवता कि जोश सब में बा और जीत का उम्मीद सब में बा और हिम्मत भी सब में बा, लेकिन केकर इरादा हो कि पूरी ये तो पता चली मुकाबला के बाद। छैया गोरी हम जिंदगिया बिताई देवो।
रानी के छैया गोरी हम जिंदगिया बिताई देबो हो। सिनेमा गोरी हम दुनिया डोलाई देबो छुए ना दे पैन सिनेमा गोरी हम दुनिया डोलाई देबो अरे पार्टनर चमरा तोरा पर गुस्सा बहुत लागल हो तू का का भइल का बात मत कर आपसे तू काहे ता कलर ला जाके तू लाई भेजब ई का करत रहा अरे यार कैसे समझाई तो का समझाओ कुल दिक्कत होई भेजे करे हमके खुदे अपन मामला सेट कर लेना नहीं अरे ना यार तू गलत फहमी में जात हुआ हां एक एक करके भेजत गई हां कुल तो के रिजेक्ट करत गई सब कह दे रिया सब हमके बारवा से पता चलत रहला ना कुल मालूम रहा और का अच्छा एगो के भेजे नी हाँ। फिर उसे पूछे नी हाँ। लड़का कैसन बा अच्छा अब का कलस ज्यादा ऊ ना बताई नहीं तो तू के बड़ा बुरा लगे छोड़ा ओके दूसर की के भेजे नी हाँ। उसे पूछे नी लड़का कैसन बा अच्छा ऊ तो जोन कहला ऊ मत पूछा गड़बड़ करी सका मतलब ज्यादा पब्लिक में जाई तो ठीक ना लगी अच्छा ना। दोस्त हुआ हमार तीसर की चौथ की जोने जोने के भेजे नी हाँ। आ जोन जोन तुहरे बारे में उन्होंने का विचार बा अगर पब्लिक में आ जाए हाँ। तो यहाँ तो छोड़ दा पूरे दुनिया में तो आर भी आना हो पाई लेकिन हम समझ गए नहीं कि कहाँ प्रॉब्लम कहाँ तू अकेले हैंडल ना कर पाओ तो यही सेदा पर हम संगे लेके दिए तेरे पर पूरा भरोसा है ना हम सबके कहत रहनी है हाँ। कि भाई हमार धोखा ना दे सकेला चिंता मत करा यार हाँ। हम सब समझत रहनी है टेंशन मतलब खाली तो एगो काम करे के है बहुत सुंदर सुंदर बाल एकदम फिट बस इनके तू इंप्रेस कला तू का होला मतलब भोजपुरी में इनके पटाला अच्छा हाँ हम पटाले कैसे करी पटाले बा कैसे ठीक है एक मिनट अम्रपाली जी आप थोड़ा देर खातिर वहाँ आ जाए तू यहाँ आ तो एक आदरणीय हाँ कौन बढ़िया शेर व शायरी मारा शेर कैसे मार पाए हम मारा खसी मारी कौन खसी खसी मरल बिया हुई तू का था शेर भक्चून हर कहीं का तो शेरों सियार कैसे मारा भाई देखा हम तो के बतावत है अच्छा सीखला अच्छा ठीक है नहाना है तो बीच नदी में आओ किनारों में क्या रखा है नहाना है तो बीच नदी में आओ किनारों में क्या रखा है वाह 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 और मोहब्बत करनी है तो बाहों में आओ इशारों में क्या रखा है तो हमारे मत बोल रहा कपड़ा मत बोल रहा तो उनके सिखावत है ना कि कैसे पटावे क्या सिखावत तका तोरे कनवम बता देती ये हमके तू बता देला होता पहले तो ये हम बोलले होती तो हमर लगा जाती अच्छा ठीक है कोनो बात ना सुन अभी तो दूर वाली है हां तो एक खातिर तो माल है हां कि पहले इनके तोरे करीब ले आई अच्छा तो वहां से यहां लिया देनी हां अब यहां से आगे मामला तू बढ़ाला मारी समझ गेला समझ गेला हिम्मत से हां भैया एदा पारी कैसे चूक ना हो एक नंबर शाबाश भाई आ गेलो समझिया हां हां टेंशन मत तुम्हारे प्यार में देसी पौआ हो गए तुम्हारे प्यार में देसी पौआ हो गए हैं और हंस क्या होंगे जब जंगल में हम कौआ हो गए यू कौन शेर है
हमारा बताओ तो हमारा गांव से है ना, तो थोड़ा वो गांव से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। गांव में लोग ऐसे शेर बोलते हैं? मतलब अभी शुरुआत है, अब देखिए ना, मतलब बहुत 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 मजेदार आदमी है, आप टेंशन मत दीजिए। ई कौवा या बिलार वाली सारी मरबा, तब बानर बन के घूमत रहे जी भाई। अच्छा हाँ, जैसे जैसे कहो। हाँ बस वही के फॉलो करा, बस कर भाई, खाली मामला सेट हो जाए। हाँ आम्रपाली जी, तो इनसे सबका परिचय करवा दी। हाँ करवा दी। ई आई आम्रपाली दुबे जी, 2014 में निरहुआ हिंदुस्तानी से इनका आगमन भइल, और इनका अइला के बाद पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में वो क्रांति आ गई। लोग एक बार दो बार ना सिनेमा 50-50 बार देखे लागल। आम्रपाली दुबे जी खातिर जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू, थैंक यू। 20 बार हम देखले रहनी है, देखले रहा ना। अब सोचा जी के पर्दा पे देखत रहला, वही के घर में बैठ के ये रोटी बना के खिए। सोना का कुदार माटी कोड़े खातिर ना ना, 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 ना। खाना तो के बनावे के पड़ी, सब बनाई, बर्तन तो के धोवे के पड़ी, कबो हाथ पर दुखाई तो गोड़ो दबावे वो दबाई। हाँ साड़ी छाए ब्लाउज सब सब करा, बस सब लेकर एकदम सही रास्ता पे है, केहू रोक ना पाई भी आप। भाई आ गेल हम, हम के चिंता ना। ए भैया, ए भैया, ए भैया, एक मिनट। तू सिखावत हवा के कुल बर्तन माजे के होई, चौका करे के होई, खाना बनावे के होई, ई जन चार जने के भेजले रहला ह, ई गोड़ तक दबा भलो। अच्छा गोड़ और दबा भलो, कुल दबा भलो, मतलब कुछ छोड़ला ना। आ तार सिकाई तो बड़ा करत रहलन। चुप रह बा, चुप रह बा तू। हमार दोस्त हूं। चुप रह बा, ना ना तू टेंशन मत, हम केहू के बात सुनबे ना कर, तू चिंता मत कर। तो एक काम करी आम्रपाली जी, आप थोड़ी देर खातिर वहां बैठ जाएं। थैंक यू। और हम तनी अपने दोस्त के समझा। नमस्ते, बैठी। हाँ अब गोड़ मत भरा, अब आएंगे। तो हर मामला तो फिट हो गई। अरे भैया एकदम ऐसा नहीं लेके चाहत रहे ना, ऐसा नहीं चाहत रहे हमारा के तारा ज्यादा कुछ समझले से ना ना ना। तब तो हर मामला फिट हो गई। हाँ तब शो के भी हिट कर दे। एकदम एकदम। हाँ दबा के आई शाबाश। जेकर सर सजी ताज, उहे बनी बिरहा मुकाबला के सरताज। और रउवा लोग देख रहल बानी खाटी भजोरिया गीत संगीत के सबसे बड़ा कदंगल बिरहा मुकाबला। बिरहा मुकाबला के जे भी विजेता बनी, उनका बिरहा मुकाबला के सरताज के खिताब और पगड़ी के साथ ही बिग गंगा के तरफ से मिली पूरा 1,00,000 रुपया। और भैया हाँ, ये जो दर्शक लोग हमें ना, हाँ ये ना होंगे दिल छोट करे जरूरत नहीं के। अच्छा ये ना लोग कमा सकल। हाँ, हाँ। तो खाली एक के काम करे को, अपन टीवी देखत रहे। हाँ और एपिसोड के अंत में अनुमान लगावे। अच्छा कि बेस्ट सिंगर के बा, अगर इन लोगन का अनुमान सुल्तान भैया और बादशाह भैया से मैच कर गई। अच्छा तक घर बैठे धक्कम पेल उपहार पाई है। अच्छा अरे यार ये तो बढ़िया काम करवा दो। खाली एक के काम करत रहे कि एपिसोड छोड़े मत, बिग गंगा पे देखो तो है प्रोग्राम। बस तो के पता है कि ना का? हम जब बाहर गई रही है हाँ। तोरा खातिर अलग अलग जगह से, क्योंकि छपरा से हाँ। क्योंकि अब संभावना के यहाँ चल गई हाँ। वो अपने पति के तलाश में बहुत दिन से भटकत रहनी है। अच्छा तो उन्हों के ढूंढ के निकलनी, भेजलनी, मिला लानी कि ना साहब मिलनी हो तो का कहनी अंतवा में पता ना कुल कैसे पगल आ जाए। हाँ हम पट्टी बांध दिले। अरे अब कल तो उपहार दे। हाँ और उपहार दे गए गायब। अच्छा। खोलनी तो चिट्ठी रहे। का लिखले रहे? लिखे तू तो लौकी हो, तुम तो बैगन हो, कोहड़ा हो, कोहड़ा हो, कैसे जमेगा? चिंता मत करा, उन्हीं के संगे अभी फिल्म करे जाते हैं। अच्छा तब हम उनका खबर ले ला, हम उनको मिठे रोल दिवा देते हैं। रोल हाँ। चली करल जाए सेमीफाइनल मुकाबला के शुरुआत। बिरहा के सुल्तान विजय लाल यादव भैया के पास चल जाओ और ये जानल जाओ कि सेमीफाइनल के जंग में सबसे पहले केकरा के उतार रहल बाने। आज सेमीफाइनल के जंग में हम वो कलाकार के रुआ सबके बीच में भेज रहल बाने जवन नाम कोनो अनजान नाम नहीं खे, ज्ञानी यादव के आज बुलाओ। जोरदार तालियां हो ज्ञानी यादव जी के लिए। इनके यावत देवल जा। हाँ तू धीरे से जा के उनके बगल ही अब बैठ जा। अच्छा बैठ के फिर आगे का अपन देखा सेटिंग ज्ञानी यादव भी आवा यहाँ। ये बतावा कि 16 लोगन में से तो हार चयन भैल बा यहाँ तक, तो अब का लगत है पूरा एकदम जी जान लगा दे बा? जी जान तो शुरू से लगल है। हाँ यहाँ तक पहुँचल ही मेहनत करके, तो आगे भी मेहनत अपन छोड़ब ना, जरूर मेहनत कर। मेहनत छोड़ा मत और तू अपन मंजिल मेहनत से तय करा। तू जाई अपन मंजिल। अच्छा ठीक है भैया, ऑल द बेस्ट।
पड़ी। सीता बेटी रहेगी कुमारी सदा, क्या लिखी हूँ विधाता कर्म की कड़ी। सुन के ऐसी वचन बोले क्रोधित लगन, जो कि रघुबर की आज्ञा मैं पाऊं अभी। तोड़ कर कांच घट के समान धन को, सारे ब्रह्मांड को मैं उठाऊं अभी। सीता जी के स्वयंवर राजा जनक फांद ले हूं, और स्वयंवर में बड़े बड़े वीर आयन हूं बैठल हुए। शर्त का हो जे धनुष के तोड़ दे, सीता वरमाला हो वीर के गले में डाल दी है। बड़े बड़े वीर एलन पकड़ के धनुष के झोरत रख लेन, लेकिन धनुष तस से मस ना भेल, एकदम हिलल नहीं। राजा जनक के माथे पर चिंता का लकीर हो गई, लगत कि धरती वीरन से खाली हो गई। महफिल में कोई वीर नहीं आयल बा का। इतनी बात सुनकर के भगवान राम के छोटा भाई लक्ष्मण जी बड़े बेग में बड़े क्रोध में खड़ा भैलन, गुस्सा करके महाराज जनक आपको नहीं मालूम, अगर अपने भैया राम का अगर आदेश पाए जाए तो धनुष तो दूर का कौड़ी है, मारब एक का झटका में पूरा ब्रह्मांड हिल जाए। भगवान राम का निगाह घूमल, कहत का हुआ यहाँ पर तर्ज बदल गई। तर्ज वह बा ये हमारे स्वर्गीय चंद्रिका उस्ताद कलाई लिखल है कि मेरे भैया मेरे भैया वतन के सिपाही, हम किसानी करावल करीना। आन पर भैया खुनवा बहावा, हम पसीना बहावल करीला, एक माता के दोला लेकिन भाव बगाना के अंदर। अरे राम फेरे है तिरछी नजर को, राम फेरे है तिरछी नजर को, मौन भाई लखन हो गए हैं। राम फेरे है तिरछी नजर को, राम फेरे हाथ तिरछी नजर को, अरे मान भाई लखन हो गए। अरे जानकी भी जानकी भी झरोखे से देखे, मुग्ध बाउर नयन हो गए हैं। लक्ष्मण जी की ओरी तिरछी निकाह करके देखलन, कलन भैया लक्ष्मण अपने से बड़ा लोगन का मान सम्मान भुला गईला का। भैया लक्ष्मण मौन हो गिलन, लेकिन अजब कोहराम ता छाया हुआ स्वयंवर में, घटा धंजेर लिगम छा गया थयंवर में। किसी की हस्ती नहीं जो कि प्रण को पूरा करे, किसी की हस्ती नहीं जो कि प्रण को पूरा करे, तोड़कर धनवा कष्ट जनक जी का दूर करे। अंत में राजा जनक दिल में है उछाह किए, अंत में राजा जनक दिल में है उछाह किए, तोड़ के धनवा राम सीता से विवाह किए। आ बाबू लगत बा माफी में कोई वीर नहीं हो, और लक्ष्मण जी के शांत करा के भैया राम अपने गुरु महाराज का आदेश पौलन, और जा करके उठ के धनुष के खाली प्रतिंचा पकड़लन, धनुष दुई टुकड़ा में हो गए। राम सीता का विवाह हो गयल,
अब पारी आ गई, बड़ा गमगीन माहौल है, बिटिया के विदाई का यहाँ तर्ज बदल गई। वह गीत बा खाटी भोजपुरी माटी के गीत है, कैसा कवैया लोग अपने अंदाज में गावलन। अरे उखिया में खेला लू, उखिया में खेला लू, रहरिया में खेला लू, भुलाई गई लू ना, एही करिया वा के सुधिया भुलाई गई लू ना। हमरे ओर अइबू तम ये कब की, यही नटावा कसुधिया भुलाई गई लू ना। इत गीत वाला किन बाहर गल गाना के अंदर, अरे सिया महारानिया के, अरे सागरी बदनिया सजाई गई लू ना, उनके हाथावा में नेहारी रचाई गई लू ना, उनके हाथावा में नेहारी रचाई। माता सुनैना अपने बिटिया का विदाई करत थी, लेकिन बड़ा सहूर सिखाओ थी बिटिया जहाँ जे यहाँ नैहर का पगरी बचौले रहा। कहाँ सिखाओ थी, करी ससुरावा में सब करिया दरावा सिखाई गई लीना, दो या नैहर कल जिया बताई गई लीना। अपने बिटिया सीता के माता सुनैना बड़े प्रेम से सजल आंख करके आंख से आंसू चलत है, लेकिन बिटिया के अपने सहूर सिखावत थीन, अच्छी अच्छी बात बतावत थीन। भैया बिटिया हो आज से तो दुई माई बाप तोहार रहे, लेकिन अब एक बाप और वहां पर तीन बतारी मिली हैं, तो बड़ा प्यार से रहिया, सम्मान से रहिया। जब विदाई होकर के अयोध्या में माता सीता अली तो वहां का माहौल है, बड़ी खुशी का माहौल है, टेरी बाहर लगल। अरे दुल्हनिया बन के अइली जानकी, हंस रघुवंश राम जी राख कुल का पनिया, रे पनिया, हंस रघुवंश राम जी राख कुल का पनिया। दुल्हनिया बन के अली जानकी, जरा सा यमक अलंकार में यहाँ पर कवि का श्रृंगार हो। अरे कंत का मना कर किलो, कंत का मना कर किलो, कोमल कलिका कचनार खिली, अरे गाल गुलाबी गात गुड़ी, गुल गमक गया गुल जार धरी, अरे चमक चली चादनी चूमने, चितवत सी चमकार छली, अरे जगदम्बा जुग जुग जनाई, चल जैसी जलधार चली। आए बाबू यहाँ पर विदाई होकर जब अइली ससुराल में, तो गौर करिएगा डोली में से उतारल गल, तो सबसे पहले उतारे के गल माता के कई, और माता के कई जब उतारे गई तो मुंह दिखाई कर रसम ऑफ का दे थी पॉपट में भाव लगल। अरे आईली जब की अपन ससुर रिया सीता रानी हो, कह के कई भर जाने नजरिया सीता रानी हो। आए आए। माता के कह एलिन और सीता जी का मुंह देख करके एक बार सीता से यही कहलिन, का कहलिन, लेला बहुवर याद तू हमसे मुहावा के दिखाई हो, अब कनक महल हम तोहके अपना देही लहर साई हो, चमके तोहरी सोने का बखरिया सीता रानी हो, तटर लगली मुहावा से चदरिया सीता रानी हो। आए हाय हाय, सोने का महल मुंह दिखाई माता के कई देलिन, और दे करके ये आशीर्वाद देलिन कि हमारे महल के ऐसे ही चमकौले रह जैसे चमकत हो। अब कौशल्या जी का पारी आई, सोचे लग रही तो माता इतरानी के कई सोने का महल दे देलिन, अब ऐसे बड़ियार दियाई तब तो पद पानी बची ना, तो इज्जत मर्याद खत्म।
गईलिन सीता जी के पास जाकर के बैठलिन, कहलिन बेटा हमारे पास कुछ हो नहीं। भगवान राम के बुला के कहलिन कि हमारे जीवन का कमाई इन्हीं हुवन, इन्हीं के तोके सौंपत है। तब मुँह दिखाई में भगवान राम के कौशल्या जी देलिन, आपके कर पारी आई सुमित्रा जी का आलाम भाव लगल। अरे सुन का महलिया कह के देई देहली, अरे कोई नहीं सकया बजोड़ा लगा। आपको सिंधा जी देहली अपन जीवन का कमैया, राम जी के मुहावा का दिखाई हो बना। सुमित्रा जी सोच हमका दे मुंह देखैया, सीता से कहली हो बचनिया सा कुचा। अरे बोला सिया ले मुका तू हमसे मुंह देखैया, आया तू जब पहले अपन मुहावा हो दिखा। सुमित्रा जी का जब पारी आई, आए हाय हाय, कहलिन की सीता जी के पास गेलिन जा, कहलिन बेटा हमारे पास कुछ हो नहीं, बस यह हो। बुला करके लक्ष्मण जी के गोदी में बैठा दिलिन, अथवा पकड़ा दिलिन, कहलिन हमारे पास यह थाती हो, यह अपन तू गिफ्ट समझ ला। आए बाबू थमा करके लक्ष्मण जी के गोदिया में बैठा के लक्ष्मण जी से कहलिन की आज से तुहारी माता ही तू इनकर बेटवा हुआ। तो एक सी कैसे मिलल माता के सोने का महल जरूर देले लेकिन प्रेम ना दे पौली। सब गिफ्ट देलस लेकिन प्रेम केहू ना देलस, प्रेम के देलस सुमित्रा जी। गाना का निचोड़ यह निकलल कि दुनिया में प्रेम के अलावा और कुछ हो ना भयल का। अरे प्रेम का निशानी महला मनवा, प्रेम ऐसन ना ही धनवा हो चांदी सोनवा। दौलत संपदा है मिट्टी सभी प्रेम के आगे, प्रेम सुधारो पीना यारो तो न कोई लागे। एक दिन हो जाए है सपनावा हो चांदी सोनावा। बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल दस भर के कथन करो चंद्रिका कवि, अरे भक्ति के भाव में भर की दुलहिनिया बनी के अइली जानकी। राम देव कवि नरेश के रथिया पर जोगिनिया दुलहिनिया बनी के अइली जानकी। सुल्तान और बादशाह भैया कैसन लागल है ज्ञानी यादव को परफॉर्मेंस रहुआ लोगन के? बहुत अच्छा लगल, जौना गीत के ज्ञानी यादव प्रस्तुत कैला ओकरा के हमहू गाइला, गुरु जी भी गावत रहला, हमार छोट भाई दिनेश लाल भी गीत के गौले। बहुत अच्छा प्रस्तुति रहल और मेहनत चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, अब चलल या बिरहा के बादशाह हमरे ओम प्रकाश यादव भैया के पास। भैया आपके कैसन लागल? बहुत सुंदर प्रस्तुति देला हन, अब लास्ट चोटी लगा दो, कहे की एकरा ले बड़ मंच अब कहीं ना मिली। हमार शुभकामना बा तोहरा से। हाँ बात है, तो ये रहले हाँ सेमीफाइनल के पहला दावेदार जे अपन परफॉर्मेंस दे देले हुए। अब इनके बाद केकर नंबर आई उ तो हमनी के गुरु जी लोग बतैया, फिलहाल हम चाहब कि आप अपन स्थान ग्रहण करें। हाँ भैया जा। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली हो ज्ञानी यादव के लिए। अपन परफॉर्मेंस से ज्ञानी यादव दिखा देले बाड़न कि उनका से पार पावल आसान नहीं खे। तो के का लगा था? हाँ, हमके तो एकदम वही लगा जो कह रहा बाड़न है ना। हाँ। ज्ञानी यादव अवते गर्दा उड़ा देले बाड़न, उनकर बिरहा के तूफान के सामना के करी आई जानल जाए बिरहा के बादशाह ओम प्रकाश भैया से। अब वो जगह के गायक के बुलावल जाओ जहाँ तीन गो नदी एक जगह जाके मिले ली, जेकर नाम बा इलाहाबाद, आज जेकर नाम बा त्रिभुवन यादव। इलाहाबाद के पावन पवित्र धरती से त्रिभुवन नाथ यादव खातिर जोरदार तालियां हो जाए। अरे त्रिभुवन भैया आवा,
एक मिनट भैया, एक मिनट जी भैया। तैयारी खाली ये लोग नहीं कैले, मतलब तैयारी हमनियों का कैले बनी। पहले ही हम कह देनी पहले ही एपिसोड में कि रउआ लोग यहाँ जंग लड़े नहीं आयल, आप लोग यहाँ जज बन के आयल बानी। जंग हमनी का अपना में नहीं जल, ये लोग का पावर देखे खातिर एक और बहादुर के मंच पर ललकार रहल बानी। जरा आ शेर, सेमीफाइनल में डायरेक्ट लोग से मुकाबला करिए। यह बिग गंगा का मंच, चाहे देखे वाला लोग होके चाहे गावे वाला लोग होके, यहाँ क्यों के मन में ई मलाल न रह जाओ कि हम अपन प्रदर्शन ना कर पौली हूँ। ए लिए एक मौका इनके दिया था, अगर बाजी 20 हो गई तो कयामत ही कयामत है। आ एक पर चूक जइहन तो घरे जाके फिर से तैयारी करे के पड़ी। मतलब ई है कि अब ई चारों लोग के चैलेंज करिए। अच्छा, और अगर ई चारों लोग इनकरे परफॉर्मेंस से ऊपर के परफॉर्मेंस दी है, हाँ, तब तो लोग यहाँ टिकी है। हाँ, ना तो यहाँ डायरेक्ट इनकर जगह बने वाली बा, ऐसा हमारे दोनों गुरु जी लोग के फैसला। जोरदार ताली हो। जब ये चैलेंज करे खातिर आइए गए बाने, हाँ, तो त्रिभुवन भैया आप थोड़ी देर खातिर बैठी अपन स्थान ग्रहण करी। ऐसा कौन हथियार लेके आयल बानी कि आप ये चार गो जब सेमीफाइनल में पहुंच गए बा लोग, वो लोग के चैलेंज देवे खातिर आगे नहीं। सबसे पहले अपने गुरु जी लोग के प्रणाम करता नहीं, भैया के प्रणाम करता नहीं, बतासा चाचा के प्रणाम करता नहीं, हमारे त्रिभुवन भैया और ज्ञानी भैया जे हमारा के पछाड़ी वह फाइनल में जाई। ये तो आर खुला चुनौती है। हाँ, ताहि सबे देखल जाओ इनका परफॉर्मेंस, ओकरा बाद हमनी के जानल जाई कि इनकरे परफॉर्मेंस के ऊपर परफॉर्मेंस देवे वाला यहाँ कौन बहादुर है। जोरदार तालियां हो। गुरुजी उठा के दे दा कर लहू पार वसुधा बिहस्ती जहां बन गई राख लंकेश की लंका नगरी राम राजा बने सीता बन को चली भावना बन गई खाक चाहत की सगरी धीरे धीरे समय चक्र बन कर कहर लंका पूरा विध्वंस हो गई रहल, घमंड में रावण का नाश हो गई रहल। वही पीरियड में एक लड़का हो जौने का नाम मकरंद बतलाओल गई, सयान हुआ लड़का, कुल ताना मारे कि बड़ा लड़वैया बनल हुए, बड़ा लड़वैया बनल हुआ। वही दिनवा काहे न जन्म लेला जौने दिनवा लंका धू धू करके जलत रहल। बतावल जाला ये बाबू बिरा सुन ले भैया बाबू चचा, राज हट बाल हट तिरिया हट ये तीनों बड़ा खतरनाक होला। हट कर दिया माँ मंदोदरी सभा मकरंद माँ के लंका के जरौले रहल। तनी माई बता दे, माई जब इतनी बतिया सुनली है रोवे लगली खली ए लाल बुताई लाग के मत उघार लाल। ये पीड़ा लेके मंदोदरी डहुरे ले मना खैली स्वामी के नाही मल्लन, पूरा लंका विध्वंस हो गई। लड़का हटका दरस माई बतावे के पड़ी, माई पूरा बात बतौली ना तो देखा माई से थे बात कहलस ऊ मकरंद का कहलस। ओहो कहले बे, अरे तो कोई मकरंद कहने वाला नहीं, अरे तकान
चौधरी बतावत हो मिट गए कोठी नौसिया के कारण धनवंता वही था रामा दल में वीर परि हनुमंता बोला मकरंद धरती अंबर को हिला दूंगा बोला मकरंद धरती अंबर को हिला दूंगा अवध को नाश करके माता मैं दिखा दूंगा। कलश माई आज तोरे चरण के कसम तोरे दूधे के कसम जैसे लंका जरल हल वैसे अवध ना जराय खेली तो हमार नाम मकरंद राम। सारी बात बताती है मंदोदरी कि भगवान शंकर का पूजा कैलन वरदान पौलन तब वो अपने आप के समार ना पोलन। जब इतनी बात सुनल सर जाय के लंका के जंगल में आसन मार करके भगवान भोलेनाथ के पूजा करे लगल। जब पूजा करे लगल तो देखा थे गीत लगे थे गुरु जी जी उन्होंने दुलही अपने परदेसी सैया का यानी भैया सपना देखत रहल कि हमार बलम परदेसिया कमाई के घर अवतरन हमारे को सपना देखत तो सपना देखत रहल लेकिन जब निधिया खुलल हो हमारे वाली सपना देखता तो है होई उल्ला जा गई रहल यह कहले रहल का वाह कि हम प्रीतिया ओ हम प्रीतियो ता हम प्रीतिया करतियो न जननी भोलेनाथ के पुकारा लगल। जब पुकारा लगल आसन डोलल है कैलाश पुरी के तो भैल का तया जयन होनी होया जयन होनी तया जयन होनी होनी बनैबे अरे सपनवा सजाइली हजे भगवान भोलेनाथ का ध्यान जब टूटल है देखलन के रे लंका में हमार केहू पूजा करत है याद करत हो त्रिशूल अटमरू लेले हचाक से पहुंच गई लन। जब पहुंचलन है कलन एल बेटा ए बाबू आँख खोल हमरा के कहा याद कैले तो भगवान के जब देखलस है प्रणाम कैलस किए भगवान देखले तो ना रहली यह सोचत बा कि जकरे शरीर पर वस्त्र ना खाली मृग छाल पहले बाड़ा हमरा के दी है का भगवान करो मांग के देख बेटा तो मांगत था भगवान दे दे बा हाँ दे दे तो मांगत है का अरे राम जीवन का पाथी तेल बिन जली अरे तो सुन के यार भंगी का बुद्धि भैली फेल भगवान का बुद्धि फेल हो गई मंगलस विजय भर का वरदान और हमारे मुंह से जवन भी हवा निकले अग्नि के समान भगवान के पैरों तले जमीन खसक गई आवाज दिए हम तो भक्त का भावना नहीं समझ पौली हम तो सोचली कुछ मांगी धन दौलत दे दे लेकिन ये तो विजय भर का वरदान मांग लेलस प्रलयकारी हो तब कभी जी लिखत हुन वरदान जब दहलन भोलेनाथ कलन वरदान तो पा गिला लेकिन धर्म का रक्षा करिया बेटा अधर्म का रास्ता मत अपनिया। ओम नमः शिवाय का मैं मंत्र दे रहा हूँ रणभेरी के मैदान में जब तक ओम नमः शिवाय का जाप करता रहेगा तुम्हारा बाल कोई बाका नहीं कर सकेगा। तब लंका के जंगल से निकलल तो सीधे अयोध्या की तरफ चलल है तो कभी जी बड़ी बढ़िया गीत लिखलन कैसे अपने जवानी के आलम में स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गाव हमारे गुरु जी का गुरु जी कैसे गाव है ज्ञानी भैया वाह गोली सुन कैला रजऊ
अरे मिर्जापुर के कैला गुलजूर लेकिन बहुत का बाप मकरन चलल है घमंड में कैसे राजधानिया में अरे लेके बरदान सयदनिया लेके बरदान सयदनिया अवध राजधानिया में अरे अवध राजधानी में पहुंच गल सोचा था कि भगवान भोलेनाथ वरदान देले बाड़न तनी है मुहावा से अग्निया जो निकले लेके यूज करके देख ली आग लगाना शुरू कर दिया। जब अगिया लगाए के आगे बढ़ल है तो के भेटायल बा करत भजन हनुमान मिल गई हनुमान जी भगवान के भजन में लील हुआ पहुंचल कलश की अरे यह बनरवा रहल कहा सो चढ़ाई कैले यह बनरवा रहल कहा नहीं पछवा तू हनुमान जी जब सुनल कल की हाई देखा ई कहां के निपोरी आए के हई कहत बा बानर उठ के खड़ा हो गईलन कलन के ये लड़का कहां के रहे वाला हुए रे कलश की ये भाई बनरवा आदमी में ही बोलबो करन का आज अयोध्या में हां बनरवा आदमी में ही बोलबो करन का आसो चार ठे तरह अबे के एक ठे बानर तो हूं आगल हुआ तब तब कहलत ई करत भजन हनुमान मिल गईल अरे तब पटकी पछाड़ी छदी पछाड़ी गईल रुद्रावतार भगवान हनुमान के पटक के सीना पर चढ़ी गल भगवान सोचत हुआ हनुमान जी करे धौलागिर पर्वत गेली सीता मैया के पता लगौली तनखो रोवाना खड़ा भयल सिकन्ना आई लेकिन आज हमार पानी बिगाड़ दहलस लेकिन समझ गईलन ई करदानी भोलेनाथ कहो तब लखन भैया के पता चलल लेके रथ पर सवार धनुष बाण अलन लेके तो मकरंद पूछत परिचय का पूछत हो अरे काहे न अइला राम के लेहले संगवा बीच बनवा में अरे त दूनो जन का करित आज बधनवा बीच बनवा में अरे त क्रोध में लक्ष्मण मार हरि हरि फिर बजी प बनवा हो शिव शक्ति के याल में होइ के काट कर बलि बनवा हो कपी के पोछिया में बान है ललनावा बीच बनावा में खंड खंड में बाण को विभाजित कर दिया लखन को गुप्तचर के द्वारा पता चला भगवान राम को जंगल में आग लगल है भगवान राम पहुंचलन है और बाण से बरसात कैलन है जंगल के आग बुझल है तब भैल का लिखलन है कवि जी का ही पावत हुआ शिव शक्ति के आड़ से हुई के भगवान राम के बाण को भी खंड खंड में विभाजित कर दिया भोलेनाथ का जब स्मरण कैलन है डमरू बजावत भगवान भोलेनाथ प्रगटैलन कहलन का हो प्रभु ऐसने के वरदान देके प्रलयकारी बना देला
ठीक नहीं कैला। भगवान कहने ऐसे न मरिए के तो धर्म का रक्षा कर बदे दे रही। तब भगवान कैलन हटाता के राम मालक चलन बाण और भूलगल मंतरिया के लगल गरियावे नाम सुना खींच करके बाण भगवान राम मरलन है धरती पर गिरल तो गिरल रह गए। आखिरी भाव लिखन कवि जी का गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु धनी हरि की माया विमल चंद्र का प्यारे लाल कहीं धूप कहीं छाया अरे राम जीवन का बाती तेल बिन जली अरे तब परमोद नंद लाल ना चंग सभी का खेल जीवन का बाती तेल बिन जली प्रमोद लाल यादव जी कमाल कर देला। का कह जाओ हमके लागा तो गुरुजी से ना पूछ के ई जवन चार लोग बैठल हो ए लोगन बताओ है तुहार ये कुछ सौरवा के वजह से आज तुहार भी आना बस। तो सबसे पहले बिरहा के बादशाह ओम प्रकाश यादव भैया का लगता ई चारों लोग इनके चैलेंज पे खड़ा उतर पई हैं। अब हम इनका गायकी पर कमेंट ना करो एक बेर फैसला सुनाए क्या बात है हमनी के दोनों भाई मिल वाह वाह क्या बात है। जब पहला राउंड में गौलन तो इनकर हमनी के दोनों भाई मिल के नंबर भी अच्छा दे ले रहनी जाए अच्छा। इनकर गायकी भी निक लागल लेकिन कोनो कारण बस ई आउट हो गइलन। जितना ये प्रोग्राम चलत बा बिग गंगा पर सब देखले ह कि कारण का रह आप लोग भी जानत हैं एक बेटी के बात पर जहां हमनी का हाथ उठ गई रहे पूरा यहाँ टेक्नीशियन से लेके म्यूजिशियन तक और कलाकार से लेके जज तक वो बेटी का भी सम्मान रखना रहे आज इनके बुला के इनका पावर भी देखना रहे हमनी के देख लेनी जा फैसला सुना दिल जी मौका। क्या बात है गुरु जी वाह 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 वाह। तो जितना लोग टीवी पे देख रहा बानी बिरहा मुकाबला आप लोग के भी अच्छा तरह से मालूम बा इनके बाहर निकलने के कारण ये रहे कि एगो बेटी का सम्मान करे रहे और एकरे खातिर हमनी के हाथ जोड़ के आप दोनों जज लोग के सम्मान करता नहीं जा कि धन्यवाद नहीं आप लोग बेटी का सम्मान आप लोग कहनी। तो भैया हाँ इनकर फैसला काल के एपिसोड में हुई बिल्कुल आज इनके बैठा दे बैठा भैया ठीक है भैया तू अपन स्थान ग्रहण करा जय हो भैया जय हो जय हो जय भैया जय हो। बतासा चचा जी भैया सब अपन अपन मुकाबला करत है हाँ। तू वह लोग के देख के हाँ। अपन जो नौसली काम बा भुला गई बड़ा भुला ना है हम ये सोचत रहने हैं कि तुम्हारा तो प्रोग्राम चलत रहे मन में तो हाउल मौरते बाऊ है जेकरा सर सजी ताज उहे होई बिरहा मुकाबला के सरताज तरवा लोग देख रहल बानी भजपुरिया खाटी गीत संगीत का सबसे बड़का दंगल जेकर नाम हा बिरहा मुकाबला। आम्रपाली जी आपसे निवेदन बाकी तनी आप यहाँ आ जाए ऐसा ना हाँ। वो कोनो बढ़िया रोमांटिक गाना हाँ ऐसा गावा कि बस तोरे प्यार में पड़ जाए ठीक बा शाबाश। तक कहाँ जाइबू तक कहाँ जाइबू अरे सुना ये दिल जानी वाह लाइके 56 करोड़ का जवानी अपनो लाइका सटाई दे कट्टा दुपट्टा संहार के चला। कैसा गाना ये क्या है बा, 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 कोई कोई को, गलती गलती क्षमा चाहता हूँ मैं माफी मांग रहा हूँ सॉरी सॉरी मैं बताया ना कि वो थोड़ा गांव से आए हैं प्लीज प्लीज छेड़छाड़ वाला गाना लुच्चा जो होना वो कुल ये टाइप का लड़की के देख के गावन हे भगवान अब इंप्रेशन तो तू अपन बिगाड़ी ले थोड़ा कैसे कैसे बनाओ कुछ बनावे खातिर के कुछ आइडिया निकाल ली कुछ सोचल ली फिलहाल ना आगे बढ़ावल जा शो ठीक अच्छा अब इनके तिल में कोई गंदगी नहीं है वो ना, तो ना, मतलब ऐसे ही आपको मतलब देख के ना ये आदमी घबरा गया है बहुत ब्लड प्रेशर हो हाँ आप तो कंट्रोल। अच्छा आम्रपाली जी आप बताइए आपके हिसाब से ये जो चार लोग बैठे हैं सेमीफाइनल में इनमें से किसको बुलाया जाए। मेरे हिसाब से त्रिभुवन नाथ जी को बुलाना चाहिए क्योंकि वो पहले गाने वाले थे तब तक प्रमोद जी ने चैलेंज दे दिया तो अब उनको आना चाहिए। अरे बहुत क्या बात है
त्रिभुवन जी जी, प्रमोद लाल जी बीच में आके ललकार देले हाँ कि चारो जन के पहले हमसे मुकाबला करे के पड़ी, ओकरा बाद फाइनल में जेबा लोग। इनकर तैयारी जो दिखौले हाँ आपके का लगा था, आप उनकरा पे भारी पड़ब कि वो आप लोग पे भारी बाने? वो तो वक्त बताई, गीत गाय ले खुदे निर्णय हो जाए। क्या बात है, वाह वाह। वक्त बताई हाँ। कि के परी के करा पे भारी हाँ। अतोले तू करा हाँ। अपन तैयारी रोमांटिक गानक तैयारी हाँ। आई हाँ। ठीक भैया नमस्ते, आइए आइए आम्रपाली जी। एक बुढ़िया का बिटिया तीन, अरे तीन गजब रहीन सौखीन, पूरी गन मशीन ऐसे सदा रहे तैयार। बिग गंगा चैनल के दर्शकों कि मेरा हार्दिक शुभकामना, जितने कलाकार यहाँ पर गीत गाए हैं सबसे हट के हमार भी रहा बा। एक नसीहत मिलेगी, अगाना हास रस कहो, लेकिन लास्ट में आजकल के नौजवानन के एक नसीहत मिली कि दुल्हन कैसे हो चाहिए, खास तौर से बतासा चाचा तोहरे बदे। एक गांव में एक बुढ़िया के तीन बिटिया रहीन, तीनों एक कई साथे पढ़ीन, एक कई साथे खेलीन, एक कई साथे सयान हो गईन। गुरु जी कहा गया जब एक कई साथे सयान हो गईन तो बुढ़िया के चिंता आए कि अब ब्याह हो चाहिए। असंजोग से दोस्त तीन दामाद खोज दिया, तीन दामाद खोज के बारात दरवाजे पे आई गई तो गांव में गाड़ी हो था भाव भाई एक थी हमार कि एक बात मोरी सजनी। प्रमोद जी बड़ा चलन करते हैं, दोनों जने से हट का मसाला पेश करते ही हम कि एक बात मोरी सजनी, अब गठिया इला चुनरिया ने, मोरी सजनी अरे गठिया इला चुनरिया में, अभी न पैसा कभी की जाइयो, इस सुगना जब बंद हो जाई बाबूजी तो कौनो मोल नहीं बा। एका कहत हैं कि हैं फलाने गांव को रामदयाल हैं, बड़ा नामी है, जब ही बोलता बंद हो जाई तो कुछ न होई, यही बरे कहना बा कि बिना पैसा का बिकी जाइबू, बिना मोल का बिकी जाइबू, यह माया के बजरिया है। ब्याह हो गया, बारात दरवाजे पे आई दुबरा के चार घा, उकरे बाद विदाई हो लाग तो बुढ़िया बाबूजी विदाई करे के पहले तीनों बिटिया के एक बैठाई लिया एक स्थान पे, आज जब विदा करे लगी तो एक शिक्षा दे दी अपने बिटियन के, थोड़ा से अंतर मिली आज के महतारी और पहले के महतारी में कितना फर्क है। पहले के महतारी अपने बिटिया की विदा करे लगे का शिक्षा देते रही, कहा नैहरे से ससुरे में जात बाटू बिटिया रानी, हमारी जी न सुधिया भुलायू रानी बिटिया, अरे सासू जी का गोड़ा दाबियु ननदी का चोटी गिहू, अदेवरा से खोबई दुला रायू रानी बिटिया, अरे कहा रतिया से जरिया पे यही है जब दुल्हा, अरे रतिया से जरिया पे यही है जब दुल्हा, तो है आचार्यन से दिया ना भुलायू रानी बिटिया। पहले का महतारी शिक्षा देत रही टमाटर चाचा, आपकी महतारी का कहा नैहरे से ससुरे में जात बाटू बिटिया रानी, हमारी जी न बतिया भुलायू रानी बिटिया, अरे सासन नदिया से तन के जी न दबा करा, अदेवरा से खोबई
तिलरायु रानी, अरे कहा कहू न विपत जब हमारे कपारे आई, वह छोड़ इन में से गेहूं चोरायु रानी आजकल का महतारी शिक्षा देती है। लेकिन बुढ़िया तीनों बिटिया के कमरा में बैठाए के एक बात बतावत है, तेरी का भाव दिया गया। अरे मान्यू मान्यू माई के शिक्षा मान्यू बिटिया मान्यू मान्यू हाथ ससुरे पहुंच के पहले ससुरे पहुंच के पहले पति कली हूं परीक्षा माई का शिक्षा मानू बिटिया। ए बिटिया हियावा, तीनों बिटिया को बुलाई लिया। बुलाए के बाद कहे बिटिया नैहरे से ससुरे में जात हो, अब पहली रात की मुलाकात में गोल्डन नाइट करा अपनी दुल्हार से सवाल कह दी हूँ, कहें कि ये कह दी हूँ कि हम ऐसे ना कहें, तब कहें पहले कह दे हमारे माई के शिक्षा, कहें का शिक्षा है, कहें सुहाग रात मनावे से पहले अपने दुल्हा के 1,00,000 जमा दी हूँ। और उखने बात जमन बीती याद रहे दोस्त, ये बिरहा हमार सुनत चला बाबूजी एकदम हट के बात सबसे मार के ओकरे बाद जमन बीती आई आई बताऊ हमसे। एहर तीनों ससुर पहुंच गए, पहला धुना जब मेहरारू के लगे पहुंचा कहे गुड नाइट, तो दुल्हन लेटी कहे पहले बैठ जा हमरे माई की शिक्षा बा, तो कहे कौन बात नहीं हो जाए चाहिए, घूम के ऐसे बैठा हमको कबेली बढ़िया उठाए हिसाब से और धाई के 1,00,000 जमाइन दे लंबा लंबा लेट और बात का कहता है। अरे लावा झारी दे गोड़ा तो हार रनिया लावा झारी दे गोड़ा बात तो हार रनिया बिहू पथरा से पिटिया पे मार रनिया मऊगा है कि 1,00,000 चभक मारत कहा तोरे कहूँ लागत नहीं है। नहीं नहीं आई हाल मझिलकियों को साथे हुई है। आ छोटकी जमन रही छोटकी के मेहमान पहुंचे ना पढ़ा लिखा दिनेश भैया पढ़ा लिखा हो कहीं हमारे माई के किसी शिक्षा बत कहा आज एक बात हो चाहिए कि करे माई को हो चाहिए है बतावा घूम के कहा वही जैसे एकदम सिकोरेस आ बढ़िया लात उठावे चली बाबू जी। इतने में पढ़ा लिखा नौजवान घूम पड़ा अब घूम के पकड़ी तो लहस पौली अब पकड़ के देह केहूनी पे केहूनी जकड़ देहस तेरी मेहरा रुकी। अरे करे पति परमेश्वर हो था पति भगवान हो था आई तोर महतारी यही शिक्षा देव कि मनसेधु को जाऊ सुहाग रात में लाते से मारू हाँ अब मार के बढ़िया जमन चाहे तमन मन चाह एकदम मऊच नरेश अहर तीनों लौट के सब सुने से नैहरे आई गई कहन का कहा थे ना हम कहे कि मोरी झूलनी पे मर गए ए राजा जी ए राजा जी अरे मोरी झूलनी पे मर गए लाखों जवान मोरी झूलनी पे मर गए लाखों जवान मोरी कहे गोरे गोरे कालो पे काला काला तिल है काला काला तिल पे अब बड़ी मुश्किल है अरे कितना पुरनियन का बिगड़ल ईमान मोरी झुलनी पे मर गए कहें माई हमार मनसेधु तो का बताई हमका रबड़ी मलाई लागन खियावे और कहें तो रबड़ी मलाई खियावत रहन कहें हाँ बुढ़िया चला कि संजोग से हम तीन दमाद हेरे है कवन दमाद हमार कटमेहरा बा और कवन असुना मर्द है पहचान एक नसीहत भी इस चैनल के माध्यम से त्रिभुवन नाथ की तरफ से दिया जा रहा है। आई बुढ़िया सोचे तो कहूँ अंदाजा हमार गड़बड़ाए तो नहीं गया यह सोचे भी बाबू जी आ इतने में मझिलकी के नंबर आए हिया बिट्टी मेहमान कैसे का करें है कहे माई का बताई जब हम उठाए ना तैसे कनमनिया देखत रहे कहे नौर कहे जब जमाए एक साथ ना
मुंह सुनकर भरता हो गया। उसने बात कहे का बताई माई ऐसे एकदम दुलारे लागे हमका कोरोमा मल कैसे गुदी गुदी करे लागे कहन बस बस ठीक और छोटकी रोवत बैठी रह कहा थी कहन हिया का भा जब तुहार शिक्षा ऐसी रही कि हमार मन से हमका लाते लाते मारे कहा तुहार छोटका मेहमान मारे ने कहा कहन हाँ माई तो आखिरी में बुढ़िया बस समझ लेस कि हमार कमन दमाद बढ़िया आहाय कहा क्या बा कि अरे गाल जिन टोवा बिटिया अरे गाल जिन टोवा बिटिया जिंदगी होई गई लिन खुशहाल गाल जिन टोवा जिंदगी होई गई लिन खुशहाल गाल जिन टोवा बुढ़िया बुला लिया का छोटकी के कहा ए बिट्टी ई गाल जिन टोवा के मेहमान मारे हैं अरे एनहन दूनो का मन से धू मिल गे मेहर गुलम्मा अरे तोहरो मन से धू ईश्वर बाटई अरे खायु सदा गुरम्मा गाल जिन टोवा बिटिया ससुरे लूटा मऊद बहार गाल जिन टोवा बिटिया ससुरे लूटा मऊद बहार गाल जिन टोवा बिटिया कहे बिटिया एनहन दूनो को मन से धू मेहर गुलम्मा है बतावा ये चेक करे बेरे हम इल्म लगाए रहे जे मेहरारू कहाँ थे मार खाई जाए कोनो मरद ब याद रखे पंकज जी प्रमोद भैया ज्ञानी भैया मेहरारू कहाँ थे जे मार खाई गई कोनो मरद न हो वह बुढ़िया शिक्षा दे दिया कहा हमारा छोटका छोटका दमाद सबसे बढ़िया बात वो असली मरद है और मर्द का पहचान हो गई बोल दिया कहा ये हमारा असलियत कहना बाकी स्वामी की तानंत अनंत भय भूलू तज दिए को तारी राजा राम आधार कहे सब स्वरद कई बलिहारी अरे राम माई का शिक्षा मानू बिटिया त्रिभुवन नाथ कहे कि पूरी हो गई इच्छा माई का शिक्षा मानू बिटिया विराह के सुल्तान और विराह के बादशाह दोनों भैया लोग से जानल जाओ कि त्रिभुवन भैया के परफॉर्मेंस कैसा लागल बहुत सुंदर गौला बहुत सुंदर यो जगह के हवन जहाँ तीन गो नदी एक जगह पर जाके मिले ले गंगा जमुना सरस्वती इलाहाबाद के धरती से बहुत बहुत शुभकामना हमारे विराह के सुल्तान हमारे बड़े भैया विजय लाल यादव जी से हम जानेंगे कि आपको कैसा लगा भैया बहुत अच्छा लगा हास रस कह के गौलों त्रिभुवन और उसमें हास रस का भाव भी मिला एक सामाजिक संदेश हमने के गांव में बड़ी सभ्यता है इतना सभ्यता है कि गौना करवा के घर में दुल्हन आवेली आई अपने ही पत्नी के पास अगर आदमी जाला तो बहुत बच बचा के जाला केहू घर का बड़ बुजुर्ग जाने बुढ़िया मतारी का परीक्षा ये ढंग से लिहावल गई है हम तो सोचत रही है आज के जमाने में परीक्षा ले बतासा में तीन आदमी रही तो संभाल ले रोज एक आध दुठेदा कोनो दिक्कत ना बाकी पास पास मेरा बड़ा अच्छा लगा है बहुत प्रस्तुति अच्छी रही बहुत बहुत धन्यवाद त्रिभुवन बाबू जी जाई रहुआ अपना जगह पे बैठी जी जी कमाल करनी है भैया कमाल करनी है इनकर विरह का जो थीम रहला हाँ कि बुढ़िया अपने तीनों बेटी के सिखौलस हाँ सुहागरात से पहले हाँ एक लात मरिया लो हाँ ओकरा बाद पता चली कि के कैसन बा हाँ तो दू जानी मरली वो दोनों लौट गए उठ के हाथ पैर दबावे लगला हाँ तीसरकी मारे गए लोग पहले ही वो उलाट के केहुनिया देलस चढ़ बैठे अब उनकर जो बुढ़िया मतारी रहू तो समझा देलस हाँ। सारा कि ऐसे परीक्षा ले लिया तोहरे हिसाब से मैं के गलत रहे के सही रहे बड़े धर्म संकट में डल हो ऐसा ना भैया हाँ थोड़े थोड़े टाइम के लिए हर तरह का होवे के चाहिए परिस्थितियां बदल रहा हाँ कौन मारू खाई लेवे के चाहिए कौन पटक के छोड़ बैठे लेकिन जे लोग विराह मुकाबला के देख रहा बा वो लोग के हम बतावल चाहता नहीं कि पति पत्नी के रिश्ता जो होला वो बहुत पावन पवित्र रिश्ता है पति और पत्नी गृहस्थी रूपी गाड़ी के दू गो पहिया हैं और एमे से एक को पहिया अगर निकाल दिया जाए तो गाड़ी ठीक से चली ना बिल्कुल एक दूसरे से प्यार करे के चाहिए मोहब्बत रखे के चाहिए कोनो जरूरी ना है कि मर्द है
तौरत ओकरे पैर के धूल है। जौन स्थान मर्द का है वह स्थान औरत का है। बिल्कुल वह औरत एक दिन केहू का माई बने ले, केहू का बहन बने ले, केहू का पत्नी बने ले, तो हमारे हिसाब से दोनों का दर्जा बराबर है और केहू के केहू पर हाथ या पैर उठौले की जरूरत ना, बिल्कुल ना। एक दूसरे से प्यार कर हमके ऐसा लगा था। तो भैया ज्ञानी यादव और त्रिभुवन नाथ यादव के परफॉर्मेंस खत्म हो चुकल बा। इ दोनों लोग के कितना अंक मिलल बा, साथ में प्रमोद लाल यादव जो चैलेंज देले रहने हाँ। उनके कितना अंक मिलल बा ई कल पता चली। तो देखत रही भोजपुरिया खांटी गीत संगीत के सबसे बड़का महासंग्राम जोना के नाम है बिरह मुकाबला। ज्ञानी यादव, त्रिभुवन यादव और प्रमोद लाल यादव के परफॉर्मेंस के साथ ही सेमीफाइनल के हाँ। पहला मुकाबला समाप्त हो गया। ठीक बा। दूसरा मुकाबला रजनी गंधा जी और बुल्लू मस्ताना के बीच में हुई हाँ। तो एक बात बतावा हाँ। तो के एक बार कहनी की तनी एगो शेर बोला। सियार मारे लगनी है हाँ, सियार मारे लगला। एक्चुअली समझ ना पाई नहीं तो तू समझा हाँ। न तो तुहार दुख कबो दूर ना हो तो बतावा हम का करी। फिर तो कहनी की एगो रोमांटिक गाना गावा हाँ। तो छेड़छाड़ वाला गाना गावे लगला। अब एक तोरे पास रास्ता हा। बताओ बताओ अपने जीवन में कोनो बहादुरी कैले हो खा हाँ। ओके बता के पटा सके। अच्छा बुलाएं का? बुलाओ। आम्रपाली जी प्लीज एक मिनट खातिर आइए यहाँ। कैसी हैं? अरे हर सवाल में तो हर बेवकूफ टाइप का। इतनी सुंदर है, कैसी है? मतलब बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है हाँ। बहुत सुंदर है हाँ। तो कोनो अपने जीवन में अगर बहादुरी कैले हो खा हाँ। तो ऊ इनके दास्तान बतावा, शायद कुछ मामला बैठे। एक दिन जात रहने हम जंगल के रास्ता से तो देखने कि 40 फीट का शेर रहे। यार 40 फीट का शेर कहाँ होगा? 40 फीट मतलब बोले से पहले सोचल करा, नहीं तो पकड़ा जाए यार कि झूठ बोलत हुआ फिर 33 फुट में हल हुई। अरे यार नहीं एक वो थोड़ा कंफ्यूजन है। एक मिनट 30 फिट का ना होला, 30 फिट का ना होला 20 फुट। अरे यार उराम केवल भैया का मोछ देखत हुआ हाँ। अब उनका मोछ देख के हाँ। तू का कबा घोड़ा का पोछ है ना ना हाँ। तो गलत यार तू कहाँ मतलब इतना बड़ा बड़ा मोच होला। अच्छा अब पोंछ कितना बड़ा होला हाँ। तो तू कहां से कहां मतलब सही आंकड़ा मतलब बतावा। आंकड़ा एक बार सोचे था 10 फुट तो 100% वाले। अब ना ना मैं नहीं नहीं एक मिनट रुक जाइए। क्या करता यार 10 फीट का शेर कहां होला मरे? 10 फुट ना होला भैया, 5 फुट तो रहल होई कोनो भी कीमत पे। यार 5 फुट के भी ना, 5 फुट के 5 फुट 6 इंच 7 इंच का आदमी होला है इतना बड़ा। मारा बकवास मत करा, अब इसे छोट ना करना तो कुत्ता हो जाए। ठीक है 5 फीट का मान ले जा हाँ। लेकिन का उसे का तोहार उसे का मतलब है? मतलब यह कि हम अंदर से शेर हैं, बाहर से जोन दिखाते हैं रोवा को पता ना। अच्छा अंदर से शेर हैं हाँ। माने हम अगर हमार दुल्हन बन जाएगी ना हाँ। तो हम राउर सेवा भी करब और सुरक्षा भी करब। तो जंगल में आपका और शेर का आमना सामना हुआ था? सामना भइल हाँ। तो उधर से शेर चलल हा। अच्छा इधर से हम चलनी है। अरे जियो शेर खुंखरलस हाँ। तमो हट हट मर फट जे बसा सब। अब पंजा से माटी घुसड़त रहे से। अच्छा घुसड़त हम कर है आंखी में हमारे डल्ले भैया हाँ। हम आंखे में डल्ली। अच्छा गुर्रैनी हा हाँ। एकरा बाद शेर दौड़ल हा हाँ। और जो दौड़ल था हमहु दौड़नी और पकड़नी सिंह दोनों। मैं फिर पूछ रही हूं मैं जाऊं? प्लीज प्लीज आप बैठिए वहां। तोहार भी आना हो पाई काए? शेर के सींग कहाँ होला यार? तू ना पहले यहाँ आसपास कोनो बढ़िया डॉक्टर होके अच्छा ओके जाके दिखावा और उसे एगो कोनो ऐसन दवाई ला हाँ जोन तोहके दे हाँ और तू फिट हो जा। याददाश्त भी सही हो जाएगी? याददाश्त तो तुहार ठीक है कोनो बात ना। अच्छा ये वाला? ये वाला मेन यहाँ से दिक्कत है। तू ही कोनो दवाई बतवा दे कई बढ़िया। एक थे तो दवाई है। कौन?
मतलब अगर तू तैयार होगा खाए के तब बताओ ना। रात का खाना खाईले के बाद हाँ एक टेबलेट खा दा हाँ, सवेरे उठ के बाथरूम जा हाँ, सारा चर्बी बाहर। भाई दवा दो, कम से कम झंझट से छुट्टी मिला, हम दिन भर बाथरूम में बैठा रहा बल्कि। ठीक है ऐसा ना, हम तो के अब भी चल के दिवा देते हैं। दवा भाई तो हम बतासा जी के चलत है एगो दवाई दिवावे खातिर। इनकर कहे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है हाँ। यहीं से सब लड़की बिचुक जाते हैं कुल। बिल्कुल तो अब वक्त आ गई बा रउआ लोग से विदा लेवे के, कहे कि इनके दवाई भी दिवावे के बा हाँ। और कल के एपिसोड में हमनी के मिलल जाई अपने फाइनलिस्ट लोग से हाँ। तो रउआ सब देखत रही भोजपुरी खांटी संगीत का कार्यक्रम जोना के नाम है बिरहा मुकाबला।